लेट्स बिगिन टुडेस क्लास। तो अपना सेकंड लेक्चर है, माने कल वाला लेक्चर है, हमने पूरा बेसिक कवर कर लिया एलिप्स का, है ना, कि अगर एलिप्स का सेंटर कहीं दूसरा जगह पे चला गया, माने एक्सिस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना, उसको शिफ्टेड पैराबोला का सर शिफ्टेड एलिप्स बोलते हैं उसको, कि उसको अप्रोच कैसे करना है, जैसा पैराबोला के लिए अप्रोच करते हैं सेम अप्रोच। दूसरा ये था, हमने कल पढ़े टेढ़ा पैराबोला, टेढ़ा पैराबोला माने सॉरी टेढ़ा एलिप्स माने टिल्टेड एलिप्स होगा, और उसका भी जो अप्रोच था इट इज सेम एज पैराबोला का। और उसके बाद हमने पढ़े पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एलिप्स, वो तो सर्कल के वक्त हमने डिस्कस किया था, वही पैराबोला के वक्त और वही एलिप्स के वक्त, और वही डिस्कस करें अपन ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं ना, S1 में आंसर ठीक। तो अपना सेम ऑर्डर नेचुरल ऑर्डर, जैसा पोजीशन ऑफ पॉइंट माने बेसिकली पॉइंट एंड एलिप्स हो गया, अब शुरू होगा लाइन एंड एलिप्स ठीक है। सो नेक्स्ट टाइटल ऑफ लाइन एंड एलिप्स, लाइन एंड एलिप्स, ऑब्वियसली लाइन को अपन हमेशा लेते हैं y इज इक्वल टू m x plus c, और एलिप्स का इक्वेशन x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू। अब लाइन और एलिप्स जो है वो कैसे हो सकते हैं, कितने केसेस बनेंगे, तीन केसेस, कितने, तीन केसेस, कैसे कैसे, इंटरसेक्टिंग माने दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर, जैसे कि ऊपर सेम सर्किल के वक्त भी वही किया, पैराबोला के वक्त भी वही किया, और एलिप्स के वक्त भी वही करेंगे, और हाइपरबोला के वक्त भी वही होगा, एग्जैक्ट वही होगा। तो ना तीन केसेस बनेंगे, तो पहला केस कौन सा, इंटरसेक्टिंग, अब मान लो ये अपना एलिप्स है और मान लो ये y = अगर उस क्वाड्रेटिक का d greater than 0 है ना, उस क्वाड्रेटिक का d greater than 0 है तो इंटरसेक्टिंग केस। अच्छा दूसरा केस कौन सा, टचिंग केस में क्या होता है कि लाइन जो है वो एलिप्स को एक पॉइंट पे टच करेगा, है ना, एक ही पॉइंट पे, उसके लिए d क्या होना चाहिए, इक्वल टू सेम। अच्छा और तीसरा, नाइदर टचिंग नॉर इंटरसेक्टिंग, इसके लिए d कैसा होना चाहिए, अगर d नेगेटिव आया माने नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर टचिंग। क्लियरली वी आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन व्हिच केस, सेकंड केस, नॉट टचिंग वाला केस ठीक है। अच्छा तो कंडीशन डिराइव करते हैं, अब देखो हमने सर्कल के लिए कंडीशन डिराइव किया, पैराबोला के लिए भी कंडीशन डिराइव किया, और एलिप्स के लिए भी करेंगे। एक्चुअली एलिप्स के थ्रू अपन सर्कल भी कर सकते हैं और एलिप्स के थ्रू हाइपरबोला भी कर सकते हैं ठीक है, वो दोनों भी कवर हो सकते हैं ना। सो ऑब्वियसली व्हाट आर वी गोइंग टू डू, इसमें y इज इक्वल टू mx + c, माने अब ये बनेगा x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस mx + c का होल स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस, अब देखो एक्सपैंड किया a स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर n स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 a m c x प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर c स्क्वायर। अच्छा ये a स्क्वायर है, अच्छा a स्क्वायर, और इधर भी a स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर सही। अच्छा दो टर्म्स है क्वाड्रेटिक वाला, ये दोनों भी, ये बनेगा b स्क्वायर प्लस इनटू c स्क्वायर, सॉरी सॉरी इनटू b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ऐसे बढ़ेगा नहीं, अपने को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना इन टर्म्स ऑफ x में, ये अपन पॉइंट ऑफ रेसिडेंस फाइंड करेंगे। अपन इसको क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ m ट्रीट कब करेंगे, अपन अगर डायरेक्ट से करेंगे ठीक, तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर n स्क्वायर इनटू x स्क्वायर प्लस c, सॉरी x के एक टर्म है 2 a स्क्वायर m c x प्लस a स्क्वायर इनटू, सही ये तो क्वाड्रेटिक। अच्छा अपन ना इसमें अब d के इसमें इंटरेस्टेड है, b क्या होगा इसका, b स्क्वायर माने इसका स्क्वायर
अरे 4 a का पावर 4 m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4 इनटू a इनटू c है ना। अच्छा देखो ये यहां से a स्क्वायर और ब्रैकेट में b स्क्वायर प्लस और फर्दर ब्रैकेट में, ठीक है। अच्छा इनमें से ऑब्वियसली क्या होगा, 4 a स्क्वायर तो यहां बचेगा a स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस, अब देखो 4 a स्क्वायर गया, चार टर्म्स आएंगे b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस होगा b का पावर, सही है। फिर माइनस, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करो, a स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर, अब प्लस प्लस का a स्क्वायर m स्क्वायर a स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर कैंसिल। अच्छा अल्टीमेटली d कितना बनेगा, 4 a स्क्वायर। अब आपने नोटिस किया कितने टर्म्स है, 1 2 3, इनमें से b स्क्वायर कॉमन है। अब देखो इंटरेस्टिंगली यहां b स्क्वायर और यहां a स्क्वायर m स्क्वायर, तो मैं स्पेशली a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर स्क्वायर। अब ये भी सिंपलेस्ट। अब देखो आपको याद है सर्कल के ऊपर तीन कंडीशन है, r स्क्वायर इनटू 1 प्लस m स्क्वायर अगर ग्रेटर दैन c स्क्वायर होता तो b ग्रेटर दैन c, दो दो डिस्ट्रिक्ट ज्यादा पक्का इक्वल टू होता, सच ही r स्क्वायर इनटू 1 प्लस m स्क्वायर लेस देन c स्क्वायर होता, नाइदर ऑफ दिस। आपने नोटिस किया ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, सो मेरा इसके साथ साथ कंडीशन होगा, सो b ग्रेटर देन 0 है, ये पूरा ग्रेटर देन 0 कब होगा, अब देखो ये तो पहले से ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव पॉजिटिव माने ये ग्रेटर देन 0 माने देखो a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज ग्रेटर देन, और इसके लिए a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, और इसके लिए a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज लेस देन ओके। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। लेट्स रिकॉल सर्कल वाला कंडीशन, सर्कल वाला कंडीशन क्या था, आर स्क्वायर इनटू, अब देखो अगर ए बी इक्वल अगर हो गया तो एलिप्स बनेगा, एलिप्स बनेगा अगर ए बी इक्वल हो गया, एलिप्स किस में कन्वर्ट होगा, सर्कल में कन्वर्ट होगा, तो ए बी इक्वल टू आर मैंने रिप्लेस किया तो क्या बनेगा, आर स्क्वायर इनटू, ये एग्जैक्टली तो सर्कल वाला कंडीशन आता। अब देखो अब आपको शायद से यू रिमेंबर एलिप्स का इक्वेशन जो है x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर, अच्छा हाइपरबोला का बीच में क्या साइन हो जाएगा, माइनस, माने b स्क्वायर को आपको सिर्फ माइनस b स्क्वायर से रिप्लेस करना है, तो फिर ये कंडीशन कैसे मॉडिफाई होगा, a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सेम कंडीशन पर हाइपरबोला आगे शॉर्ट पक्का। तो इन ये पूरा जो कहानी है इनमें से अपने को एक ही पॉइंट उठाना है, कौन सा पॉइंट है वो, ये वाला अच्छी बात कि ये लाइन इसको टेंजेंट जिस दिन बनेगा जब c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, एंड ये किसका किसको रिकॉल कर रहा है, सबसे वाला कंडीशन c स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर इनटू 1 प्लस x स्क्वायर। अच्छा एक और पॉइंट POC, we want to ensure that POC is point of contact, है ना? क्योंकि whenever we discuss condition, point of contact भी important होता है। तो अब यहाँ आपको लिखना होगा condition for tangents, है ना? POC condition for tangents, इसका next point, ठीक है ना? Condition for tangents, c square is equal to a square m square plus b square, simple. Next. नेक्स्ट केस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी ओ सी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए पहले अपने को एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इज इट, अच्छा ये एक्स केस में क्वाड्रेटिक, दिस क्वाड्रेटिक टर्म्स ऑफ एक्स और इसका रूट सिंपल है, d 0 है,
जब डी जीरो होते हुए एक्स का वैल्यू माइनस बी बाई टू ए होगा, कैसे? क्योंकि एक्स का वैल्यू होता क्या है, माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी अपॉन टू ए, लेकिन डी तो जीरो, माने एक्स का जो वैल्यू है यहाँ माइनस बी बाई टू है ना। अच्छा, वो यूज करके आपने को एक्स का वैल्यू निकालना, एक्स का वैल्यू निकालना, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी टू ए स्क्वायर एम सी अपॉन ए अपॉन सॉरी टू टाइम्स ए, ये तो ये है, लेकिन ये क्या है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसका डिफरेंस सी स्क्वायर। एग्जांपल तो क्लियर है क्या क्या कैंसिल हो रहा है, टू टू सी बी एक्स सी माने माइनस ए स्क्वायर बाय। अच्छा, ये आपको याद दिला रहा है किसका, सर्कल का माइनस आर स्क्वायर एक्स बाय सी, उसका वाई को आगे क्या है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब ये क्या होगा बी स्क्वायर बाय सी। फिर भी अगर आपको y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, कहां डाले थे टेंजेंट है, व्हिच इज y इज इक्वल टू m इनटू x माने माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर बाय c प्लस c, है ना। सो दिस विल बी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया c स्क्वायर माइनस, बट अगेन व्हाट इज c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर, आगे तो therefore point of contact यहाँ पे लिखना है minus a square by c or b square by c। अच्छा, अगर आपने ellipse कर लिया अच्छे से, ये सभी कुछ concepts clear हो जाएंगे और hyperbola के लिए माने ये थ्री वे है, एलिप्स भी होगा, साइमल्टेनियस सर्कल भी होगा और हाइपरबोला भी होगा, इसे एलिप्स बहुत टाइम बचता है ना। ये तो आप देखो, आप यहां हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन ए का कोई जनरेट ही नहीं है, माने इट डजंट मैटर क्योंकि ये कंडीशन कैसा है, डी इक्वल टू 0, इसमें ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन ए से कोई लेना देना नहीं, इट्स ऑलवेज द सेम, बी हॉरिजॉन्टल बी वर्टिकल, ठीक है। तो पूरा कॉन्सेप्ट करने से पहले व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन डब्ल्यू से कौन सा ऐसा कर कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन के लिए एक साथ में बता सकते हैं कि क्योंकि आपको पता है क्या अभी फॉलो करेगा, इक्वेशन टेंजेंट डीओटी तीन अलग अलग फॉर्म्स है ना, बड़ा बस बाद में अपन क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि अब तब अपने ना जैसे आगे का कॉन्सेप्ट ही करते हैं तो दो दो मेथड्स खुलेंगे एक साथ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, ईओटी ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन वेरियस फॉर्म्स। पहला वाला हमेशा और कभी चेंज नहीं होने वाला, दैट्स इट, अगर पॉइंट ऑन एलिप्स इज गिवन और एलिप्स का इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर पर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर, ये एलिप्स है और एक पॉइंट दिया है और आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो सिंपली व्हाट इज फॉर्मूला, s1 इज इक्वल टू s का आंसर, माने x स्क्वायर को रिप्लेस किससे करना है, हमें को x x1 प्लस y स्क्वायर को y b स्क्वायर इज इक्वल टू, वेरी सिंपल। दूसरा फॉर्म पैरामीट्रिक, ये आपको याद रखना होगा, एक्स कॉस थीटा अपॉन ए plus y sin theta upon b is equal to 1, this will be using a lot, है ना। आपको याद है हमने पैराबोला का बहुत डीप में किया था, टेंजेंट का दो पैरामीटर्स कहाँ मिल रहे हैं वो वगैरह वगैरह, है ना, इतना डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है, ना पूरा ऊपर ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एंड जनरली पॉइंट फॉर्म कब अप्लाई करते हैं, जब पॉइंट दिया है ऐसे ऐसे मिला
पैरामेट्रिक का जारी लोकस वाले क्वेश्चंस में, लोकस वाले क्वेश्चंस में वो का इंटरसेक्ट होगा, इसका मिड पॉइंट का लोकस निकालो, वो कितना मिनिमम एरिया वगैरह, ऐसे कुछ क्वेश्चंस है जो ओपन करेंगे। अच्छा, और तीसरा स्लोप फॉर्म, करेक्ट। स्लोप फॉर्म कब यूज करना जब अपने पास स्लोप है। अच्छा, अब देखो वेरी इंटरेस्टिंग, अगर टेंजेंट का इंक्लिनेशन है तो भी अपने पास क्योंकि m is equal to आगे पक्का। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हेन डू वी आल्सो यूज स्लोप फॉर्म, और क्या एप्लीकेशन है स्लोप फॉर्म? अब देखो आपको एलिप्स को टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो पॉइंट कहां कहां है तो टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है? एलिप्स पे वो तो हो गया, एलिप्स के बाहर, एलिप्स के बाहर है तो कितने टेंजेंट बने? दो। एंगल बिटवीन टेंजेंट्स निकालना है, डायरेक्टर सर्कल का लोकस निकालना तो क्योंकि m1 m2 is equal to, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर दोनों भी टेंजेंट के स्लोप्स के बारे में लोकस निकालो, अगेन इट गोज फॉर है ना, तो यू नो दिस इज समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। और हाइपरबोला करके मुझे बताने की जरूरत भी नहीं, बस मैं लिख देता हूं आपको बस समझ में आ जाएगा। स्लोप आज ही हमने y is equal to mx plus c, but c का क्या कंडीशन है? अच्छा, लेकिन c कितना था? प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो, now this is very interesting, very interesting। आपको याद है अपन सर्कल के वक्त किया था? अगर मैंने पूछा, या अगर मैंने पूछा एक सर्कल में और एक लाइन है, यू आर आस्क्ड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस सर्कल, पैरेलल टू दिस लाइन, कितने टेंजेंट्स बनेंगे? सब दो पैरेलल टेंजेंट्स पक्का, और एक्चुअली एक पॉइंट जो डायमीटर होता है वहां पर क्या है, श्योर एक आई ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा, ठीक है। अच्छा, एलिप्स भी बनी कहां, क्योंकि ऐसे क्यों हो रहा, क्योंकि सी क्या है, स्क्वायर है, बनेंगे प्लस माइनस की वजह से दो दो बनेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अच्छा, वो पैराबोला में नहीं होता, क्योंकि पैराबोला में हमेशा c is equal to a by n था, या a minus a by n ऐसे कुछ था, इसे नहीं तो बराबर है a minus a square से हाँ ये था, माने यहाँ c quadratic था, c linear था, माने एक ही tangent draw किया जा सकता है parallel to the given line, माने two parallel tangents can be drawn simultaneously, how many points of contact? External tangents, point number 4. External tangents में क्या है basically कि अगर आपके पास ellipse है, आपके पास ellipse है कि एक बाहर वाला point है, तो कितने tangent draw किया जा सकता है? दो। और remember you will be given the external, माने you will be told कि दो tangents एक point से draw किया गया है, अब वो tangents का equation निकला, एक tangent की equation बता, तो क्या करना है आपको पहले इस साथ में slope form y is equal to mx plus or minus root over a square m square plus। अब देखो interestingly, अब ये दोनों की tangent जो है वो एक ही point से पास रहे, what is that? माने मैं यहाँ क्या करूँगा, x की जगह डालते तो बाहर और y की जगह, अब देखो ये ऐसा बनेगा y minus mx one का is equal to a square m square plus a square b square। अगर आप इसको simplify करोगे तो आपको एक quadratic मिलेगा m case में, अगर m case में quadratic मिलेगा तो उसमें से ना दो concept बनेंगे, angle between tangent और direct circle, ठीक है? तो एक काम करेंगे, इसको सिंपलीफाई करके क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे। अभी नोटिस किया सेम ऑर्डर है,
जैसे हमने पैराबोला के सेम ऑर्डर फॉलो किया। पहले क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर देते हैं इसको। एलएचएस में वाई एक्स में माइनस टू एम एक्स वन वाई वन प्लस एम स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सबको एलएचएस में शिफ्ट किया तो एम स्क्वायर के दोनों टर्म्स बने। अब देखो अब क्या इसको तीन केस में क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया जा सकता है m में x में y में लेकिन अपन ज्यादा किस पे इंटरेस्ट है n में इंटरेस्ट है तो जब ये यहां शिफ्ट होगा तो n स्क्वायर इनटू x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर करेक्ट और n के n का एक टर्म ये वाला माइनस m x1 प्लस y1 स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू राइट ये है क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया तो n के दो वैल्यूज आएंगे। अब देखो n का वैल्यू आने के बाद हमेशा याद रखिए आपको यहां नहीं आता पॉइंट है और इसका स्लोप है स्लोप कौन सा याद है सर्किल और हमें ये पॉइंट डिस्टिंक्टली लिखा लिखा ये m1 है इसका स्लोप मान और इसका स्लोप है तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से अपन निकालना है ठीक है। अच्छा अब देखो इसके नीचे मैं यहां लिखूंगा फिर एंगल बिटवीन टैंजेंट एंगल बिटवीन आपको याद है सर्किल के अपना एंगल बिटवीन टैंजेंट का tan थीटा बाय 2 इज इक्वल टू r बाय √x का मतलब क्योंकि वहां वो जो वो रेक्टेंगल ट्रायंगल फॉर्म करता है और वहां सेंटर एक्सटर्नल पॉइंट को जॉइन उससे बहुत सारे प्रॉपर्टीज है लेकिन आपने नोटिस किया पैराबोला एलएस में ऐसे कुछ नहीं है एक ही तरीका है वो कौन सा क्वाड्रेटिक से ही जाना होगा सर्किल में दो दो तरीके थे क्वाड्रेटिक से भी जा सकते थे और वो जो सर्किल का यूनिक कॉन्सेप्ट है लेकिन यहां कोई चॉइस नहीं डायरेक्ट क्वाड्रेटिक। अब देखो इसके दो रूट्स हैं एक है m1 और दूसरा अच्छा m1 प्लस x2 सम ऑफ देम माइनस b बाय अच्छा यहां माइनस b माने 2x1 बराबर गुड अपॉन x1 स्क्वायर माइनस x2 करेक्ट और m1 इक्वल टू c1 c बाय x बाय स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर करेक्ट। अब देखो आपको tan थीटा निकालना है इज इट अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग अ क्यू टैन तो टैन इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 ऑफ 1 प्लस लेकिन अपने पास m1 प्लस m2 ये भी अपन जानते हैं रूट ओवर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस m2 प्लस 4 m1 m2 ऑफ 1 प्लस m1 इससे आर में टैन इज इक्वल टू रीड द सेम फॉर पैराबोला सही वही स्टेप अपन फॉलो कर रहे हैं एकदम रिपीटेटिव है और हाइपरबोला भी यही करें। अब इन में से स्पेशल वाला कि अगर टैंजेंट 90 हो गया हमें टैंजेंट परपेंडिकुलर बनता है तो डायरेक्ट सर्कल बनता है वो तो अपन पहले से डिस्कस कर रहे हैं। सर्कल के लिए डायरेक्ट सर्कल जो था वो 2 आर्क पर डायरेक्ट सर्कल इज कॉन्सेंट्रिक विद गिवन सर्कल उसका रेडियस जो था रूट टू टाइम्स आर मान लिया आरएचएस में 2 आर्क पर अच्छा लेकिन पैराबोला में थोड़ा सा डिबेट हो गया कि पैराबोला में डायरेक्ट सर्कल नहीं सॉरी कोई सर्कल नहीं डायरेक्ट सर्कल को लिया है सेट ना डाउट लेकिन अब वापस डायरेक्ट सर्कल विल बी अ सर्कल। अब देखो वेरी सिंपल अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल होता x2 + y2 = r² तो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट x2 plus y2 equal to 2 r square मैं 2 r square को r square plus r square लिख दिया तो एक r square बनेगा a square और दूसरा r square बनेगा c square बस सिंपल है ना देख के डिराइव कर रहा राइट। नेक्स्ट फंडा bc पॉइंट नंबर तो डीसी में क्या होता है अपन ऑलरेडी जानते हैं कि रिमेंबर दो इसके दो प्रकार के अंडरस्टैंडिंग है कि जहां से हमने परपेंडिकुलर टैंजेंट ड्रॉ किया उस पॉइंट का लोकस और जहां परपेंडिकुलर टैंजेंट्स मीट होते हैं है ना। मतलब एक क्वेश्चन कैसे भी सेट किया जा सकता है
हाँ, और आपने एक्सपीरियंस रखा है ना, आपको एक्सपीरियंस है कि लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स इज दैट द माने m1 m2 इज इक्वल टू माइनस 2। अच्छा m1 m2 माने ये वाला माने y1 2 माइनस b2 / x1 2 माइनस इज माइनस करेक्ट माने y1 2 माइनस b2 इज माइनस x1 2 प्लस x2 अल्टीमेटली x1 2 प्लस इज a2 प्लस अब देखो लोकस किसका फाइंड कर रहे हैं आप डायरेक्ट सर्कल और सर्कल का फील दे रहा है ना, अगर ए बी दोनों तो टू वाट में बनेगा डायरेक्टर सर्कल, जैसे कि सर्कल के वक्त डायरेक्टर सर्कल जो था वो किसके साथ कॉन्सेंट्रेट था, सर्कल के साथ, जो भी सर्कल का सेंटर होगा डीसी का भी वही सेंटर होगा। अब देखो एलिप्स, इफ यू टॉक अबाउट एलिप्स डायरेक्टर सर्कल विल बी, सो डायरेक्टर सर्कल विल शेयर द सेम सेंटर एस एस एलिप्स का सेंटर, और इसके बाद था पेयर ऑफ टेंजेंट्स। अब देखो एक्सटर्नल टेंजेंट्स का एक्सटर्नल टेंजेंट फाइंड करने के दो अलग अलग तरीके हैं, एक तो दोनों अलग अलग से फाइंड करना है या दोनों एक साथ जॉइंट इक्वेशन, जॉइंट इक्वेशन के अंदर से फॉर्मूला इक्वल एस इक्वल एस पॉइंट नंबर पेयर ऑफ टेंजेंट्स। पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बाद सीओसी, सीओसी के बाद इक्वेशन ऑफ फॉर बाइसेक्टर, ये हो गया तो S1 square equal to S into S1, तो अपन ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन अब मैंने ऐसे लिखवाया क्योंकि तीनों भी इसके लिए सेम नहीं करते हैं ताकि वो अभी क्या बोलते हैं लर्न हो जाए। नेक्स्ट इज ऑब्वियसली कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट व्हिच इज एस1 सीओसी व्हिच इज गिवन बाय एस1 एस1 इज इक्वल टू। अब देखो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट में दो प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, वो पोलर पोलर वाला, ठीक से पोलर पोलर वाला। अब देखो ये कोई ये फोटो है इसका, अब देखो वो क्या बोलेगा कि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किया और वो इंटरसेक्ट कर रहा है ए और, सो टच कर रहा है ए और बी में, तो अगर आप देखो इसका इक्वेशन निकालना है सो दिस इज गिवन बाय ये वाला। अब देखो उल्टा, इसका उल्टा क्या है, आपको क्या दिया होगा सीओ से क्या है, माने ये कह रहे हो कि वो एलिप्स को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है और उस एंड पॉइंट्स पे उन्होंने क्या ड्रॉ किया टेंजेंट ड्रॉ किया, तो वो कहां मीट होंगे सेम फंडा कंपैरिजन का या रिलेशन, तो अपन लेंगे लेट द मीट एट पॉइंट माने इसके हिसाब से ये जो लाइन का जो इक्वेशन दिया है वो क्या होना चाहिए कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। अब कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, पर हम फाइंड भी करेंगे कंपेयर करेंगे कंपेयर करेंगे हां श्योर। अब मैं शीट में है दो तीन क्वेश्चन इस टाइम, ठीक है ये हो गया सीओ सी। उसके बाद इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसिकल given, yes.
bisector at we don't remember x1 equals s1 is equal to s1 s1 is equal to s1 अरे यहाँ क्या कहानी है इसका कि एलिप्स है तो एक कॉर्ड है उसका मिड पॉइंट दे रखा है मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज गिवन देन वी कैन फाइंड इक्वेशन बाय यूजिंग फॉर्मूला s इज इक्वल टू It took 30 minutes for us to get through the concept. 30 minutes we will solve questions and the next 30 minutes we will be discussing some very important standard results. When I say very important, it's very important. Already शायद से हमने दो तीन important points discuss कर चुके कल वाला था वो कौन सा था वो eccentricity के जो the line joining foci and the endpoint of minor axis 90 so 1/2 स्क्वायर ऑफ एक्सेंट्रिसिटी 1/2 अपना शीट में दो तीन जगह पे पड़े रखो अच्छा और वो रॉड वाला जैसा रॉड स्लाइड हो वो उसका पॉइंट ऑफ प्रेसिशन एलिप्स को ट्रेस करके उसके बाद और वो ट्रायंगल वाला कोई एक दो फोकाई दो वर्टाइसेस है और तीसरा वर्टेक्स जो है वो एलिप्स के पेरिमीटर लोकस वाला अब वो जो ट्रायंगल जो जॉइन किया उसका पेरिमीटर पूछा जाएगा वो तो अपन कर सकते हैं उसके बाद वो ट्रायंगल मैक्सिमम एरिया इज गिवन बाय ए बी ई रिमेंबर द मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज ए बी ई और अब ट्रायंगल मैक्सिमम कब होगा जब वो पॉइंट एन पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस हो गया ऐसा अपन इनको ऐसा बात कर सकते हैं एसोसिएशन बनेगा इसमें द रेडियस से मेरे से दूरी से एसोसिएशन इसके बाद और क्या क्या बस ये तीन तीन इंपॉर्टेंट है ठीक है चलो क्वेश्चन कर लो आपको याद है फोकस के दिस कम्स फ्रॉम पैराबोला फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पे टैंजेंट ड्रॉ किया वो कहां मिलोगे डायरेक्ट जाएगा एनीवेयर अगर वो अगर वो स्पेशल फोकल कॉर्ड है माने एला तो एग्जैक्ट एक्टिव एक्टिव एग्जैक्ट यू एक्टिव माने जहां एक्सिस और डायरेक्टिस द सेम पॉइंट पर लेकिन अपन एक क्वेश्चन केस में तब अपन स्टैंडर्ड रिजल्ट में ठीक है सो टैंजेंट में ना स्टैंडर्ड रिजल्ट बहुत है लाइक 7 टू 8 स्टैंडर्ड रिजल्ट 7 टू 8 ठीक है मोस्टली विल ट्राई टू कवर ऑल ऑफ दोस इन टुडेस क्लासेस राइट चलो पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं find lambda if x plus y is equal to lambda is tangent to 9x square plus 16y square is equal to 1 is tangent to 9x square plus 16y square is equal to 144. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एक लाइन एलिप्स का टेंजेंट बनने के लिए क्या कंडीशन था c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर n स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब देखो अपने को a b c और ये सब फाइंड करके बस वो कंडीशन में डालना है ठीक है इसके लिए रिमेंबर लाइन जो है वो कौन सा फॉर्म में होना चाहिए y is equal to minus x plus lambda. तो क्लियरली n जो है वो minus 1 और c जो है वो इसको हमने लिख दिया x स्क्वायर बाय 16 प्लस y स्क्वायर बाय 9 प्लस y स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1 राइट अच्छा माने a स्क्वायर इज 4 और y स्क्वायर इज 16 एंड b स्क्वायर इज 9 फिर हमने कुछ ऐसे स्क्वायर से चेक करना है तो क्या कंडीशन था देयरफॉर c स्क्वायर 6 इज इक्वल टू a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर c स्क्वायर माने 9 प्लस 9 इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर 16 प्लस 9 व्हिच इज 25 तो लैम्डा इज इक्वल टू अच्छा तो दो
point of contact minus a square by c comma b square by c. Now we are in position to find POC also. Do point of contact. This line x by a plus y by b is equal to root 2. If line x by a plus y by b is equal to root 2 touches x square by a square plus y square by b square is equal to, if this line touches this, then find, very fine, first POC or second eccentric angle of POC. Mane indirectly theta is eccentric angle of that. Now this is very interesting. अब देखो आपने नोटिस किया ये तो ये दोनों एक जैसे हैं बिल्कुल वेरी मच सिमिलर दे रहा उसको स्क्वायर करने के लिए ये इसका टैंजेंट है और आपको क्या फाइंड करना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करने का क्या है इसको y के mx में c के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके वगैरह कर सकते हैं वो तो एक मिनट तो है यार बस अब देखो we have an alternate method that's why I मैंने स्पेशली ये क्वेश्चन को पिक किया क्योंकि ये दोनों सिमिलर है देखो मेरे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं मैं अज्यूम कर रहा हूं ये मेरा एरिया है हमें ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है अच्छा ये कौन सा फॉर्म का याद दिला रहा है अपने को ये पॉइंट निकालना है पॉइंट फॉर्म का याद दिला रहा है देखो सेम फॉलो इसका सेम काम करेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट करें ये तो पॉइंट लेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी एक्स वन वाई मैं ये फॉर्म मैंने अप्रोच चेंज क्यों किया क्योंकि ये दोनों सिमिलर है अगर दोनों सिमिलर नहीं होता तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे इसको लिखेंगे पहले y को mx + c में m c a b फाइंड कर लिया और डाल दिया माइनस a स्क्वायर बाय c कमा b स्क्वायर बाय c है ना लेकिन मैंने तो अब क्या कर दिया अलग से कर दिया वन अपॉन c कर दिया ठीक है ये एरिया है सो देयरफॉर पॉइंट फॉर्म लगाया व्हाट विल इट बी x x1 अपॉन x2 प्लस ये टेंजेंट है इसका ये टेंजेंट है एरिया का लेकिन व्हाट इज टेंजेंट x by a plus is equal to अच्छा दोनों सेम है तो बैच अब देखो इंटरेस्टिंग आगे जैसे हम लोग क्या चाहिए अच्छा अब देखो आप इसको इसमें ला सकते हो या इसको इसमें ला सकते हो आपके पास एक काम करके यहाँ रूट टू है चलो यहाँ भी ला दे और आपको क्या करना होगा खर्च का और एक ये भी कर सकते हैं रूट टू से डिवाइड कर यार तो ये क्या बनेगा एक्स बार रूट टू ए प्लस सिमिलरली y1 क्या होना चाहिए v1 एक्जेक्टली माने आपको ये मेथड से करने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपको वो एक होता कोई सा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन अगर वो भी क्यों आ रहा है दैट वुड बी बेटर तो मैंने ये पिक क्यों किया क्योंकि ये दोनों एक जैसा दिख रहे हैं तो मैंने पॉइंट फॉर्म से तो कंपैरिजन भी कर सकते हैं ना आप देखो दिस ओपन अप अनदर ऑप्शन फॉर अस कि अगर आपने चलो आपने यू नो
बड़ा टेंशन में पेपर छुड़ा लिया और मैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भूल गया। एक और तरीका है, व्हाट इज दैट? कंपैरिजन वाला। अब जनरली कंपैरिजन वाला पोल पोलर में करते हैं, सीओसी के मतलब हम ज्यादा मान करते हैं और पीओसी के लिए हमें रख लिया। अब तो समझ लिया, रख लिया, सब कुछ हो गया। कब पहले किया था, बाद में किया, वो अब नहीं जाते। यानी आप अभी अपना रिटर्न भी हो गया और समझ में भी आ गया, सब कुछ हो गया। अच्छा ठीक है, तो पॉइंट पहुंचा कि ये आपने नोटिस किया, अपना फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड के लिए आपको क्या फाइंड करना है? एक्सेंट्रिक एंगल। अच्छा, एक्सेंट्रिक एंगल माने थीटा, माने थीटा कहां से मिलता है आपको? कौन सा फॉर्म है? पैरामेट्रिक फॉर्म। नाउ रिमेंबर, व्हाट इज पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ एनी पॉइंट? और ये तो ऑलरेडी टेंजेंट है, ये क्या है? ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पॉइंट फॉर्म, बल्कि टेंजेंट इक्वेशन तो ऑलरेडी दे रहा है। एंड हाउ मच इज दैट? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू, अच्छा एक काम करो, दोनों से आप बताओ तो x1 कितना होना चाहिए? ये जो ऑप्शन है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन, पॉइंट फॉर्म से हमने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकाला, क्यों नहीं कर सकते? इसके बाद कंडीशन का टाइमलाइन से एक और ये था कॉमन टाइमलाइन। अपना इसमें एलिप्स के इसमें एक क्वेश्चन है, सर्कल और एलिप्स का कॉमन टाइमलाइन चेक करना। तो अपन एक अपना मैं एक क्वेश्चन उठाया जिसमें आपको कॉमन टेंजेंट फाइंड करना था पैराबोला और एलिप्स का, ठीक है? राइट, फाइंड कॉमन टेंजेंट, फाइंड कॉमन टेंजेंट टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 रूट 3x एंड 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू। अब तो अपन तो कर चुके, तो अगर कॉमन टेंजेंट निकालना है तो उसका सी इसका सी दोनों इक्वल होना चाहिए। तो केयरफुली अपना पैराबोला जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, ये फॉर्म किसमें है? y स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने बताओ a कितना है? 4। तो याद करो कि इसका y स्क्वायर तो mx plus c which is therefore c is equal to a which is
तो ये इसका सीन है। अच्छा तो पहले बात ये ना एल एच को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर पर प्लस वाई स्क्वायर पर। अब देखो यहाँ कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, ए बी से बड़ा बी ए से बड़ा है तो कंडीशन पर टेंडेंसी चेंज होगा क्या? नहीं है ना, इससे कोई लेना देना नहीं, कंडीशन पर टेंडेंसी वही रहेगा। इसका सी जो था एक्चुअली वो सी स्क्वायर होता है ना, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस फोर। तो एक काम करके इसी को स्क्वायर करेंगे, तो इसका सी स्क्वायर 48 पर एम स्क्वायर, ये दोनों से माने 48 पर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 2। यहां से तो 24 इज इक्वल टू एम स्क्वायर इनटू, अब देखो मैं दिमाग यूज कर रहा हूं, 64 को ऐसा फैक्टराइज करो 24 को ताकि एक एम स्क्वायर और दूसरा एम स्क्वायर प्लस 2। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 24 पेयर्स में 124 2 2 है नहीं, डिफरेंस सिर्फ कितना था 2 का, अरे 4 6 4 6 4 6 अरे ये कितना होना चाहिए 4 और ये कितना होना चाहिए 6 मैच कर रहा है। अच्छा ये 6 ही ये 4 क्यों नहीं हो सकता? सॉरी ये अगर जब माइनस 6 होगा तो ये माइनस 4 होगा, तभी भी ये लेकिन रिमेंबर ये स्क्वायर है, समझ में आ रहा है? माने अगर आप इसको प्रॉपर मेथड से करोगे तो एम स्क्वायर के दो दो वैल्यूज एक 4 और माइनस 6, लेकिन माइनस 6 वाला रिजेक्टेड। सो क्लियरली एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माने एम इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। अब देखो ये मैं कहां डालू, यहां डालूंगा बेटर था, सही भी है ना, सही हो रहा है, बड़ी बात नहीं। अब तो आगे और कुछ है तो यहां डालेंगे मच बेटर, देयरफॉर y is equal to mx, अगर चाहिए m का वैल्यू हमने लिया mx plus c which is 2√3। अच्छा डायरेक्ट है ना 2√3, ये होगा दूसरा m की जगह हमने डाला माइनस 2, क्या होगा y is equal to माइनस 2 माइनस 2 आपका माइनस 6। अब देखो अब तो अपना आदत हो गया ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैं तो ये दोनों का कॉमन टेंजेंट इसका से इसका से निकालो दोनों को भी बड़ी बैठे बस। और कभी कभी करना ऐसा होता है कि डायरेक्ट दोनों डायरेक्ट सॉल्व होता है, माने आपको नॉर्मल मेथड क्या है, लेट एन स्क्वायर बी टी क्वाड्रेटिक आया टी के वैल्यूज निकालो लेट एन स्क्वायर डालो, लाइक वेस्ट ऑफ टाइम। जनरली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में कैसा है कि ऐसे सॉल्व हो जाता है, बस आपको ना थोड़ा आपको सोचना होगा कि हमको कैसे आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन करते आते तो हमको दिख जाता है कि अब देखो दे मे नॉट डायरेक्टली से डायरेक्टली से निकालो, क्वेश्चन ऐसा होगा फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू इट, है ना। तो ही वोंट यूज डायरेक्ट सर, जो डायरेक्ट सर प्लान है तो फिर सबको समझ में आ जाएगा, अरे सो ये फार्मूला है। तो व्हाट इज डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। टू मेक इट लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड find dc of ellipse x minus 1 ka whole square by 9 plus y minus 2 ka whole square by 4 is equal to 4। ये interesting question अब देखो the only difference is center shifted, माने अब देखो क्या देखो मेरा चलो देखते आपको answer करें डिस्टेंस चेंज नहीं होता,
तो RHS में अभी भी p square plus b square, क्या change हुआ LHS पर? ये x minus h है, y minus k है, तो ये भी बन गया x minus k. हमेशा याद रखिए कि DC जो है वो concentric होता है given, जैसे कि given LHS का center 1/2 है तो DC का भी center, ठीक है? ये है कहानी DC का. अब एक्सटर्नल टैंजेंट वाला क्वेश्चन बताइए. एक क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट इंटरसेक्ट फाइंड ईओबीस टू एच एक्स स्क्वायर 9x square plus 16y square is equal to 144 from 2, 2. There's something very interesting here. So, when I was standing, I said, standing form is taking the only lesson, but I got this letter. So, what will it be? Yes, I said, well, x square by 16 plus y square by 9 is equal to 1. अब देखो इसका मैंने थोड़ा फिगर ड्रॉ कर लिया. मैंने ये पॉइंट्स a माइनस a, अच्छा ये पॉइंट्स 0, 3, 0, 1. अब देखो कहाँ से ड्रॉ किया टाइम. अब देखो बाई थ्री बाई थ्री मैंने ये वाला लाइन 2, 3 मैंने यही कहीं होगा. आपने नोटिस किया एक टैंजेंट जो है ये अब पक्का एक और टैंजेंट जो है ऐसा लिखें 0, 0 बनता है. अगर वो यहाँ से हमने ड्रॉ किया देन चेंज एक इन्फिनिटी बनेगा माने क्वाड्रेटिक हो जाएगा उसके सामने. आपको याद है ये सेम कहानी कब किया था सर्वे के बारे में. मैंने इसीलिए ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन किया ताकि वो सर्वे वाला याद आ सके. कि हमेशा याद रखिए कि अगर कोई पॉइंट था ए और बी से मैच कर रहा तो ना एक टैंजेंट या हॉरिजॉन्टल बनेगा या वो बहुत चांसेस है कि एडवांस में एक दो क्वेश्चन आ चुके हैं अपने शीट में कि एक हॉरिजॉन्टल बनता है या वो वर्टिकल होता है. ये एक अंडरस्टैंडिंग है लेकिन रिमेंबर इसका कोई जवाब नहीं जाता. लेकिन आई ऑलवेज रिकमेंड टू ड्रॉ सीधा. अच्छा एक्सटर्नल टैंजेंट ड्रॉ करने के लिए कौन सा फॉर्म से स्टार्ट करना होगा? ये x1 और ये y. स्लो फॉर्म इज y इज इक्वल टू mx प्लस और माइनस 2 ओवर a स्क्वायर x स्क्वायर b स्क्वायर. अब ये एनी टैंजेंट टू दिस एक्स बट वी वांट दोस टैंजेंट व्हिच पास थ्रू 2, 2 एंड y इज और ये 2 m प्लस और माइनस 2 ओवर 16 n square plus 9. सही है? अब देखो अब यू डोंट नो व्हाट स्क्वायर रूट इधर इधर करके स्क्वायर मान बोल सही है. अच्छा ये कितना बनेगा 4 n square plus 9 plus 9 minus 12 is equal to 16 n square plus सबको बात चेक किया ये बनेगा हाँ कांस्टेंट अब पुड़ गया माने m 0 12 n square minus 12 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
कंफर्म लगाना है आपको। इनमें से देखो a का अभी सर सॉरी बाय सर इक्वेशन ये है आंसर वो ये है ये कहां से पास होता है सर थ्री सर आपके फॉर ओवर 2.3 से माने व्हाट इज इक्वेशन ऑफ दिस टाइम बाय इज इक्वल टू 3 हां y इज इक्वल टू अच्छा अभी दूसरा वाला निकालना अब देखो स्लोप मानते हैं a वाला किससे पैरेलल होता x - y x - y = x - y = -1 माने
आपने कैसे किया? अब देखो नॉर्मल नॉर्मल स्क्वायर कैसे लगता है, टी पॉइंट है, स्लोप है, y minus y1 is equal to m into x minus x1. तो मैंने क्या किया, ये 135 डिग्री बना रहा, तो ये x is equal to minus नॉर्मल भी कर सकते हैं. One last question and then we'll go for standard distance. एकदम एकदम perfect schedule में चल रहा है आपका. मैं आधा घंटा पास करके नहीं, आधा घंटा normal questions और आधा घंटा standard. अब देखो मैंने ऐसे जानबूझ के मैंने CO CP question नहीं उठाया, क्योंकि आप लोग कर सकते हो, है ना, क्योंकि वो equation of CO CP भी given external point निकालो comparison में. Already हमने comparison में कर लिया और इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टिंग गिवन पॉइंट वाला भी नहीं, मैं को नहीं उठा क्योंकि पैराबोला कॉर्ड सर्जरी के वक्त नहीं किया गया. ठीक है, लोकस पे कर रहा था, कौन सा वो m1 पे सेट टू और m1 m2 पे है ना, उस पे एक करना था मुझे. चलो उस पे चलते हैं. टेंजेंट Then find the locus of their point of intersection. Then find the locus of their point of intersection. If cot theta 1 plus cot theta 2 is equal to lambda square. A question है ना worksheet में, cot theta 1 plus cot theta 2 is equal to 2, ऐसे कुछ. तो आप ये question हो गया तो वो question करते हो, इसमें tan theta 1 plus tan theta 2 plus tan theta 1 theta 2 सब product आता है सामान. डायरेक्टली m1 जो बनेगा वो और m2 जो बनेगा वो. अच्छा ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8. अच्छा लेकिन cot theta कितना होता है, प्लस 1 बाय tan. अब देखो इस को लैम्डा स्क्वायर, बट इज एक्चुअली 1 बाय m1 प्लस 1 बाय इस लैम्डा स्क्वायर. तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया m1 प्लस m2 होगा इज इक्वल टू. अब देखो डायरेक्ट अपने नोट्स में लिखा होगा डायरेक्ट डायरेक्ट. अब ये प्रॉब्लम है कि हम ले सकते हैं m1 के लिए वो क्वाड्रेटिक चाहिए हमको. अब अभी के लिए तो अब है ना करंटली वी हैव ऑलरेडी डन m1 प्लस m2 को लिखा था 2 2x1 y1 upon x1 square minus x1 square minus p square whole divided by y1 square minus p square upon x1 square minus x1 upon x1 square minus x1 is equal to 9. अच्छा ये और ये क्या, अब देखो आप लोकस किसका फाइंड कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल और एक्सटर्नल पॉइंट अपना हिसाब से क्या लिया था हमने इस केस में. इस केस में हमारा x1 मान लिया क्या ये लिखा हो देखा x1 मान लिया था. अगर आप x y लिया होता तो फॉर्मूले में x y रहेगा, माने आप अपन लोकस किसका फाइंड कर रहे हैं x1, तो क्या करेंगे जल्दी x y से x y से रिप्लेस किया तो ये होगा 2 x y is equal to लैम्डा स्क्वायर into y स्क्वायर ये लोकस कुछ भी नहीं, नथिंग क्वेश्चन है एक्चुअली.
P, S,
पक्का। अब देखो मैं इस छोटा वाला ट्रायंगल का लेंगथ का क्यूबिशन इनटू क्या करूंगा मैं 4 पक्का इनटू 4 श्योर। अब देखो देखो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पहली बात है क्वाड्रिलेटरल ऑब्वियसली रोम्बस अगर क्वेश्चन में अगर रोम्बस होता तो भी श्योर पूरा कैसे इट इज बेसिकली 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा अगर जो मैंने P O Q ठीक है 4 ये तो रेक्टेंगल ट्रायंगल है हाफ इनटू अब देखो बेस ये तो है व्हिच इज ए बाय गुड राइट है ना दैट्स इट 2 ए स्क्वायर बाय 2 ए स्क्वायर बाय एक्सैक्ट ये आपको याद रखना है एज स्टैंडर्ड रिजल्ट। I'm impressed with my one diagram. अब ये क्वेश्चन नथिंग है तो दिस इज नथिंग सो चलो इस ये क्वेश्चन भी लेकर 2 into अच्छा इसका a स्क्वायर 9 पर e का फॉर्मूला क्या होता है रूट ओवर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर व्हिच इज 4 4 है ठीक है पहले ये बनाते हैं कॉमन a a इज 3 अच्छा 2 बाय 3 देखो ये 2 2 को माने 9 3 जा 26 इसमें आंसर कुछ मैंने आंसर पढ़ी है स्क्वायर ठीक है सो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 2 ए स्क्वायर बाय ई राइट माने आपको यह एक दोनों मैं हिला तो रिमेंबर दिस एज अ फार्मूला इसमें एक और नोट व्हाट इज इट नोट कि टेंजेंट ड्रॉन एट एंड पॉइंट्स ऑफ दैट स्ट्रक्चर meet axis at FD and major axis at FD and minor axis at the point minor axis on auxiliary receptor AC and as I have pushed so tangents drawn at any points of LR meet major axis on directrices meet major axis on directrices and minor axis on auxiliary receptor minor axis on auxiliary receptor right okay ab parametric form pe humne zyada question nahi kiya चलो पैरामेट्रिक फॉर्म में दो तीन क्वेश्चन होता है तीन क्वेश्चन करेंगे रिसर्च में उसमें दो स्टैंडर्ड रिजल्ट है राइट और बेसिकली क्वेश्चन नंबर 10 है ना राइट अप क्वेश्चन नंबर 10 फाइंड द लोकस ऑफ Find the locus of question number क्या है yes find the locus of midpoint of intersect what's it page number 12 तो question number 8 page number 12 तो question number 8 so find the locus of midpoint of intersect of any tangent find the locus of midpoint of intersect of any tangent between coordinate axis any tangent between coordinate axis to the ellipse x square plus 2 y square is equal to suppose ये कोई number ये ellipse का equation कोई नहीं है क्योंकि जो number है वो अपन put up करेंगे but अपना इम्पॉर्टेंट ये कि अपने स्टैंडर्ड के लिए क्या होगा है
तो पहली बात ये है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ही सेड एनी टैंजेंट, व्हाट शुड आई डू और व्हाट विल आई डू, पैरामेट्रिक फॉर्म से स्टार्ट करूंगा. तो लेट दिस पॉइंट बी, लेट दिस पॉइंट बी ये क्या लिखूंगा, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा. तो ये टैंजेंट है, अपने पास इसका इक्वेशन, इसका इक्वेशन क्या है, एक्स कॉस थीटा बाय ए प्लस माइनस वन इज इक्वल. अब मैंने उन्हें आपने को पूछा निकालने के लिए कि उसका जो इंटरसेप्ट है बिटवीन, अच्छा तो जनरली याद करो अपन इंटरसेप्ट को हमेशा क्या नाम देते हैं, ए बी. और याद है ये समथिंग कॉमा जीरो, ए कॉमा जीरो लेते हैं और ये जीरो कॉमा बी, ऐसे कुछ लेते हैं. लेकिन ये इंटरसेप्ट किसका है, ये लाइन का. अच्छा तो मुझे ये मिल जाए y जो रहा है, तो x की वैल्यू y cos x पक्का. अच्छा सिमिलरली b पर आगे तो लेट अप देखो स्टेप बाय स्टेप. अभी तो ही सेड एनी टैंजेंट, सो वी स्टार्टेड विद पैरामेट्रिक फॉर्म. उसके बाद वी सेड इंटरसेप्ट बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो मैंने इंटरसेप्ट फाइंड कर दिया. अभी इसका मिड पॉइंट का लोकस, तो जनरली लेट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी पी एक्स कॉमा वाई, अच्छा पी ले लेते क्यों ले सकते हैं, लेट्स मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी क्यू. अब बताओ तो एक्स क्या है और वाई क्या है, सर ए बाय टू को बेटर कंसीडर करना है पक्का, बी बाय टू साइन थीटा, और वाई जो है वो बी बाय टू साइन थीटा. तो इसका आपस पर साइन का अल्फा तो इस तरह का तब यार ये क्वेश्चन सर्दी नोट भी किया था. तो इसका मेजरमेंट तो x1 प्लस x2 बाय 2 और y1 प्लस y2 बाय 2. आपको पता है जैसा cos sin दिखा तो स्क्वायर करना है, लेकिन पहले आपको cos फाइंड करना है. सो व्हाट इज cos फाइंड, x बाय 2 a बाय 2 sin फाइंड, a बाय 2 b बाय 2. सो सिंपली cos बाय थीटा प्लस sin बाय 1 माने a स्क्वायर बाय 4x स्क्वायर this b square by 4 square. Therefore, इसको देखो ऐसे देखना है, a square by x square plus b square by y square is equal to 4. b square by y square is equal to 4. ये आपको standard result देता है. Yeah. तो पक्का क्वेश्चन के लिए क्या होगा, अपना क्वेश्चन है पहले a square b square तो पता है, सो इसको स्टैंडर्ड में लिखा x square by 2 plus y square by 1 is equal to 2. So answer should be 2 by x square plus 1 by y square equal to 2. तो ये ऑप्शंस में था, अगर जैसे मैं 1 लिखा मैंने 4 को यहाँ रखा हूँ, तो this becomes 1 by 2 x square plus 1 by 4 is equal to 2. This is your answer according to so midpoint of the intercept is a square by x square plus b square by is equal to 4. अब देखो ये सर्कल के लिए, ये सर्कल के लिए काम करेगा, लेकिन a square और b square equal है, माने वहां हमने लिखा था 1 by x square plus 1 by y square is equal to 4 by r square. If you go back you'll see. ये क्वेश्चन पर टाइम है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन. ऐसे कुछ क्वेश्चन है,
आपने नोटिस किया ये इंटरसेप्ट जो है माने ये टेंजेंट जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एक ट्रायंगल बनता है। उस ट्रायंगल का अपने को मिनिमम एरिया फाइंड करना होगा, है ना। ये उस पे एक क्वेश्चन लिख लेता है वो भी है अपना इसमें लिख लेता है, ना फाइंड द मिनिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल। अपना मेन सेक्शन में एक क्वेश्चन नंबर एक और क्वेश्चन नंबर टू फाइंड द मिनिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द मिनिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय एनी टेंजेंट। द मोमेंट वी से एनी टेंजेंट सो मोस्टली वी गो फॉर पैरामेट्रिक फॉर्म, है ना। फाइंड द मिनिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय एनी टेंजेंट विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, एनी टेंजेंट विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस टू द एलिप्स, to the ellipse x square by 16 plus y square by 18 is equal to, again you see numbers are going to be there, apna answer to a or b ke terms mein hoga, ab dekho aadha zyada kam ho gaya hai, ab dekho bas apne ko kaun sa timing pe focus karna hai, ye chahiye wo ye, ab dekho so hai na par direct yahan use kar raha hai aise, so therefore area of triangle hai na, area of triangle oep is half into, अच्छा base कितना होगा ये वाला, which is b1 cos theta, correct, into b1 sin theta, that's it. Interestingly ये ab by sin, अब देखो very very interesting, very interesting. Generally we go for derivatives and so on or other concepts, लेकिन यहाँ derivative की कोई जरूरत, अब देखो सुनो ये overall quantity maximum कब होगा जब denominator जब ओवरऑल अपने को मिनिमम एरिया चाहिए, ओवरऑल मिनिमम के लिए डिनोमिनेटर मैक्सिमम, माने डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए, मैक्सिमम डिनोमिनेटर को ले साइन पावर 1 होता है, इसका मैक्सिमम थीटा, थीटा को डिनोमिनेटर होना चाहिए पक्का, तो थीटा पावर में एक एग्जैक्ट बीच में होगा a बाय रूट 2 b बाय रूट 2 वाला, है ना। अच्छा तो देखो फॉर फॉर एरिया टू बी minimum denominator has to be maximum, therefore sin 2 theta should be equal to 1, माने theta is 45, और अगर आपको parametric point निकालना होगा तो the point is actually माने कौन सा point पे tangent draw किया, कौन सा point पे draw किया a by root 2 comma b by root 2 पे, लेकिन आपने को minimum area निकालना, माने वापस ये डालें, therefore area minimum area and then delta minimum सिंपली ए बी, अच्छा एक ए बी वाला था ए बी ई था वो मैक्सिमम एरिया था और ये मिनिमम एरिया ए बी। अच्छा ये गिवन क्वेश्चन के लिए हम गिवन क्वेश्चन क्या है, देखो डेल्टा मिनिमम इज 4 इनटू 9 व्हिच इज 36 स्क्वायर यूनिट्स, सिंपल। So intercept का एक और करना, एक और क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन था, ये दोनों ही में आता, ये एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन आगे। So पेज नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो, राइट दिस क्वेश्चन। Tangents are drawn to ellipse. Tangents are drawn to ellipse. X square by 27 plus y square is equal to x square by 27 plus y square by y square is equal to. Equation number 12 होगा। X square by 27 plus y square is equal to 1 at 3 root 3 cos theta comma sin theta. The moment he said at, but this point is on the ellipse,
और अपन इग्नोर भी सीए थीटा वाले ही कौन सा फॉर्म है ये पैरामेट्रिक अच्छा इसे पैरामेट्रिक ए कॉस थीटा बी साइन थीटा अच्छा ए कॉस का माने उन्होंने इनपुट अपने को पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दिया लेके उसका कोई जवाब नहीं था ठीक है देन इन्होंने पूछा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट सम ऑफ द इंटरसेप्ट्स इज मिनिमम Some of the intercepts made by tangent on axis. Some of the intercepts made by tangent on axis is minimum. तो अपन जानते हैं कि some of the intercepts are x intercept में जानते हैं ऑलरेडी a by cos theta और minus b by sin theta उसका सब मिनिमम अच्छा सम इज A, but A here is UT by plus B. Only here is one. Of what? ये minimum चाहिए. Differentiation में अपन ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते. कि एक दूसरे का reciprocal होता है अपन. Minimum चाहिए क्या करना चाहिए? तो 3 into secant theta plus cosecant theta. तो इसको अपन ने चलो S ले लिया, S of theta. तो S dash ले लिया. S dash of theta 3 root 3 into इसका डायरेक्ट secant theta into tan theta और cosecant का minus cosecant theta into cot theta cosecant theta into cot theta is equal to इतना आ चाहिए 0 अच्छा 3 root 3 ये कितना होगा sin theta upon cos square theta सही है yes minus ये कितना होगा 1 upon so cos theta upon sin square is equal to अगर इंटरेस्टिंग क्रॉस मल्टीप्लाई किया ये बनेगा 3 टू 3 टू sin क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू अरे इंटरेस्टिंग माइनस ये टाइम में करना होगा इसको बाहर लेकर दो शिफ्ट किया तो कितना बन गया tan क्यूब थीटा इक्वल्स टू 1 बाय 3 पक्का शॉ आ गया वो वहां गया नीचे आ गया 3 टू 3 वहां गया माने tan थीटा कितना आ गया ये किसका फिर है फिनिशर इस चैप्टर में तीन दो तीन चैप्टर थे यहाँ तो ट्रिग्नोमेट्री का एक तो ए बॉडी का और अपना टेन अपना टू डी का अब ऐसे करके तीन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स अपने को डिराइव करना है अपने को डायरेक्ट स्टेट नहीं करना डिराइव क्योंकि डेरिवेशन करेंगे तो अपने को ना ज्यादा फील आता है डायरेक्ट मैंने बोला मिनिमम एरिया ए बी है चलो डॉट डॉट तो इसमें लेकिन आया कैसे अच्छा हाफ इनटू बेस इनटू हाइट से आया और एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट कितना आया अब देखो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट तीन क्वेश्चन किया हमने और एक तो मिड पॉइंट का लोकस निकालना एक और मिनिमम एरिया था और तीसरा सम ऑफ इंटरसेप्ट अब कैसे कि आपको ना शायद ये लर्न भी हो गया ए बाय कॉस थीटा बी बाय साइन थीटा आगे कोई क्वेश्चन आए तो इट विल बी इजी तो तीन क्वेश्चन है तीन स्टैंडर्ड रिजल्ट है एक पहला स्टैंडर्ड रिजल्ट ये है कि अगर एनी टैंजेंट ही वुड कंसीडर एनी टैंजेंट और वो क्या करेगा कि सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा जैसा जैसा ये टैंजेंट होगा वैसे वैसे परपेंडिकुलर भी चेंज होगा क्लियरली माने एक पॉइंट जो है माने जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जो है उसका कुछ लोकस बनेगा तो फाइंड द लोकस ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर drawn from center onto any tangent. First standard result. Standard result क्या है? दूसरा. अगर अपन center से draw कर, focus से भी draw कर सकते हैं, तो again locus of the foot of the perpendicular draw from any focus onto any tangent. दोनों भी focus कोई कैसे? वो actually auxiliary circle होता है. माने जब आप फोकस से
परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे एनी टेंजेंट पे, द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जो है वो ऑक्सिलरी सर्कल पे होता है हमेशा, है ना। पॉइंट नंबर टू, स्टैंडर्डाइजेशन थ्री की, अब देखो कोई भी टेंजेंट लिया आपने, फोकाई एस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और फोकाई एस डैश से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये पी वन है मान लो, ये पी टू है, तो प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर्स इज ऑलवेज b स्क्वायर। यहां b इज नॉट ऑलवेज b स्क्वायर, इट इज ऑलवेज सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर। ये तीनों स्टैंडर्डाइजेशन करो कर सकते हैं, क्योंकि एक एक के लिए अपने को थोड़ा टाइम लगेगा समझ में, 15 20 मिनट लगेगा, सो ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। सो ये तीनों स्टैंडर्डाइजेशन अपन कर करेंगे, एंड देन टाइप्स नॉर्मल का ज्यादा कोई नहीं है, दो तीन क्वेश्चन से ज्यादा कुछ है ना, नॉर्मल अकॉर्डिंग है और एक नॉर्मल का इक्वेशन, एक मैंने अलग अलग नॉर्मल और जो मिसलेनियस क्वेश्चन जो है वो कर लिया, बाय टुमारो एलएसबी ओवर है, राइट। अच्छा।